हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल एंड दिस इज़ योर फ्रेंड अलका। तो आज मैं काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ। एक्चुअली मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। क्या हुआ था मैं कुछ दिन बाद आप लोगों को बताऊंगी। और जैसे जैसे मौसम चेंज हो रहा है, तबीयत वैसे डाउन होती ही जा रही है। आप लोग देख सकते हैं अभी मेरी आवाज़ थोड़ी सी बैठी हुई लग रही होगी। मुझे कोल्ड हो रखा है और मुझे बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे मेरी सांस नहीं ली, थोड़ी रुकी रुकी सी, मतलब मुझे ठंड काफ़ी बैठ रही है क्योंकि सुबह सुबह स्कूल जाना होता है। तो आप कितना ही सोचो कि नहीं अंदर लग रही, ठंड नहीं लग रही, बट वो लगती ही है। सुबह जब जाते हैं तब भी ठंड लगती है। तो मौसम चेंज हो रहा है तो आप लोगों को अपना थोड़ा सा ड्रेसअप भी चेंज करना चाहिए और थोड़ा सा अपना स्किन केयर रूटीन भी चेंज करना चाहिए। जैसे मैं आप करूँगी धीरे धीरे, क्योंकि मेरी स्किन मुझे बहुत ड्राई लग रही है, लिप्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा ड्राई हो रखे हैं। तो इन सब में चीज़ों में चेंज करने वाली हूँ मैं। तो इसलिए आज मैंने थोड़ी सी शॉपिंग करी है, थोड़ी सी बस, एक दो ड्रेसेस खरीदी हैं। तो मैं चाह रही थी मैं आप लोगों को दिखाऊं। ये इस तरीके की ड्रेसेस है जिन्हें अपना तो बहुत ज़्यादा सर्दियों में पहनोगे और ना ही बहुत ज़्यादा गर्मियों में। मतलब ये वाला जो टाइम होता है आपका, अक्टूबर नवंबर वाला जो टाइम है, आप इनमें से पहन सकते हो क्योंकि दिल्ली में इतनी सर्दी नहीं पड़ती कि आपको बहुत ज़्यादा वूलन पहनना पड़े इसी टाइम में। तो मैंने दो तीन ड्रेसेस ऐसे लिए हैं, तो वो विंट्री ही, बट वो मतलब बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। तो मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ, अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर बताइएगा, मैं आपको बता दूँगी मैंने कहाँ से ख़रीदी। ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करी है तो मैं खुद लेकर आई हूँ। उसके अलावा मैं एक चीज़ और लेकर आई हूँ जिसका व्लॉग मैं आप लोगों को दिखाऊंगी जब मैं अपने फादर इन लॉ को उसको दूंगी। एक्चुअली मैं अहोई पर अपने पापा जी को देती हूँ और करवा चौथ पर मम्मी को देती हूँ, बट अहोई पर दिस टाइम पापा हमारे थे नहीं, गए हुए थे, अब भी आए एक दो दिन पहले वापस। तो मैंने उनको कपड़े वगैरह इस बार नहीं दिए क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं होता, वो खुद भी नहीं सिलवाते, नहीं पहनते इतना, तो इसलिए वो चीज़ मुझे नहीं देना अच्छा लगा जिनका कोई फ़ायदा नहीं था। तो इसलिए मैंने सोचा मैं इस बार उनको कोई गिफ्ट दूंगी, तो इसीलिए मैं आज ही गई थी उनके लिए। अभी वो ड्यूटी गए हुए हैं और जब शाम को वापस आएंगे मैं तब उनको दूंगी। मैंने उनके लिए कान्हाजी लिए हैं एंटिक वाले और बहुत खूबसूरत लग रहे हैं वो, तो मैं वो आप लोगों को भी दिखाऊंगी ज़रूर। तो अब बात करते हैं ड्रेस की। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं आगे। तो ये मेरी फर्स्ट ड्रेस है, इस तरीके से फ्रॉक टाइप में है और आप देख सकते हैं इसका कपड़ा थोड़ा सा मोटा है, बिल्कुल हल्का कपड़ा इसका नहीं है। तो इस तरीके से ये एक फ्रॉक है, अच्छी लग रही है ना। ये भी गर्म है, इसको आप ऐसे ही पहन सकते हो। हाँ इसकी बाजू हाफ है बट अभी के लिए बेस्ट है। इसके ऊपर आप कोई जर्सी वगैरह पहनोगे तो ये बहुत सुंदर लगेगी। इसका फैब्रिक भी अच्छा है, मोटा है, आई विश आप लोगों को अच्छी लगेगी। बाकी आप देखोगे क्योंकि मंडे से मैं इनको पहनने वाली हूँ, जो मेरे मंडे से व्लॉग आएंगे उनमें मैं इन्हीं ड्रेसेस में आपको दिखाऊंगी। और जो सेकंड वाली है वो है ये, पहले मैं इसके ऊपर से आपको लुकिंग दिखा देती हूँ। दिस टाइम ये फुल स्लीव्स है, ये इसका सेंटर में डिजाइन है, ये घुटनों तक है, इसके नीचे आप आराम से लेगी पहन सकते हो। तो ये भी ड्रेस बहुत प्यारी है, ये भी मोटी है और देख लो आप इसमें ये फुल स्लीव्स की है। तो इसको भी मैं जल्दी पहनूं, मुझे ब्लैक कलर बहुत पसंद है। और जो मेरी तीसरी ड्रेस है वो थोड़ी सी ग्रे कलर में है, ये भी फुल स्लीव्स है। ये तो आपको देखकर ही गर्म फील हो रही होगी एक्चुअली। इन्हें आप किसी भी तरह से कर लीजिए, चाहे इनको कुर्ता कह लीजिए, लॉन्ग टॉप कह लीजिए, या फिर गर्म कुछ कुर्ते टाइप में कह लीजिए। इसमें तीनों में जिप लगी हुई है पीछे, तो उससे इसकी फिटिंग और अच्छी आती है और फुल स्लीव्स हैं तो इसलिए सर्दियों में पहनने के लिए भी बहुत अच्छी है। तो आप लोगों को कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा और मैं इन तीनों को ट्राई करके आप लोगों को दिखाऊंगी ज़रूर। तो अभी मैं इन तीनों का ट्रायल आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, चलिए। तो
तो कैसा लगा आपको मेरी तीनों ड्रेसेस का ट्रायल? हाँ, जैसे मैंने सोचा था थोड़ी सी लूज रहेंगी, बट ऐसी नहीं है, एक्चुअली मेरी फिट आ रही है, मैं थोड़ी सी ग्रो ज़्यादा कर रही हूँ तो इसलिए वो फिट हो रही है मेरे, तो मुझे थोड़ी सी वैसे रिलैक्स वाली चाहिए थी, बट वो बिल्कुल फिटिंग की है, तो मैं उनको ऐसे जितना मैंने सोचा था नॉर्मल डेली नहीं पहन पाऊँगी, बट हाँ ऑसम लुक दे रही है, किसी पार्टी वगैरह के लिए भी बेस्ट है। ब्राउन मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई, मुझे सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल लगी, तो आप लोगों को भी अगर पसंद आया तो मुझे बताइएगा, मैं आप लोगों को बताऊँगी मैंने कहाँ से खरीदी थी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, लव यू।